इस तरीके से संदिग्ध मामले होने क्या कुछ इशारा कर रहा है? नहीं, इशारा क्या कर रहा है अभी, ये जिलेटिन मिलना वगैरह ये सब एक पर्टिकुलर संगठन की एक पहले एक मोडस ऑपरेंडी होती थी कि पहले आईसीस आईसीस तो नहीं बोल सकते हम लोग उसको, जो एक संगठन था इसका, ये नॉर्मली ये उनकी मोडस ऑपरेंडी जिलेटिन का वगैरह यूज करता। अब हमें ये देखना है कि भाई मुकेश अंबानी जी को अगर थ्रेट आता है तो मुंबई पुलिस कितना अलर्ट हो जाता है, होम मिनिस्टर उसको ट्वीट करते हैं, उनको पूरा वादा करते हैं कि भाई आपकी सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होगी। अब देखिए, ये मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर, अटलांटिया के बाहर एक गाड़ी, उनके जो उनके काफिले में जो गाड़ी थे उसके सेम नंबर की गाड़ी और सेम मॉडल की गाड़ी वहां पर खड़ी है, और इसकी जो कॉग्निजेंस है, इसकी दखल जो है सभी माध्यमों ने ली है, पुलिस ने ली है, राज्य सरकार ने ली है, केंद्र सरकार ने ली है जी। अब यही गाड़ी अगर किसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती, कोई भीड़भाड़ की जगह पर खड़ी होती, किसी बाजार में खड़ी होती तो क्या होता? अब ये आप मुझे अब पता चला, मैं थोड़े से लेट जुड़ा हूं आप और बहुत दिनों के बाद जुड़ा हूं जी। तो केरला में क्या हुआ मुझे सच में ही पता नहीं है, कि मैं अपडेट नहीं हूं मैं अभी कि केरला में कहां पर वो गाड़ी पाई गई है या इस तरह से जो भी विस्फोटक है वो कहां मिले मुझे पता नहीं है, मुझे वो जरूर मैं उसकी मालूमात करूंगा। लेकिन ये इस तरह से माहौल क्यों फैलाया जा रहा है, या ये माहौल फैलाया जा रहा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, इसका जो भी है इसकी तहकीकात केंद्र सरकार और राज्य सरकार मुंबई पुलिस ये करने में सक्षम है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि आगे की जो आने वाली दिनों की जो ट्रेन के डब्बे के अंदर पाई गई 17 जिलेटिन की छड़े पाई गई, देखिए कैसे होता है ना, जब चुनाव आते हैं या जब भी होता है तब ऐसी घटनाएं ज्यादातर होती है। ये मेरी उम्र इतनी नहीं है लेकिन मेरा जो तजुर्बा, छोटा सा तजुर्बा है, इसमें पाया मैंने देखा है या मैंने हमेशा पाया है, इस तरह से जब कोई घटना होती है तो या तो इलेक्शन नजदीक आए। देखिए सबसे बड़ी घटना हुई थी राजीव गांधी जी का जो असोसिएशन हुआ था 1991 में, या बहुत से जगह पर इस तरह से वाकया होते रहते हैं। अब ये जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है कि भाई हमारे देश की अंतर्गत सुरक्षा का मामला है तो इसके लिए जो भी तहकीकात लेनी है हो उनको लेनी है, इसमें कोई राजनीति वाली बात तो है ही नहीं। लेकिन भरत सिंह जी बोल रहे हैं कि भाई मुकेश अंबानी का आप फेवर ले रहे हैं, आप मुकेश अंबानी को बचा रहे हैं। मुकेश अंबानी देश की धरोहर है, मुकेश अंबानी देश के उद्योगपति, सबसे बड़े उद्योगपति हैं, तो उनकी सुरक्षा तो देश। देखिए कैसे है ना, भरत सिंह जी नहीं, चतुर्वेदी जी, मैं भरत सिंह जी को एक बात पूछना चाहूंगा कि भाई मुकेश अंबानी का कोई थ्रेट आई, उनके घर के बाहर एक विस्फोटकों से भरी गाड़ी मिली तो गृह मंत्री ने तुरंत उनको फोन करके पूरी तरह उनको आगाह किया कि भाई आपकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी। लेकिन पूजा चव्हाण की जो भी आत्महत्या, उसके केस में अनिल देशमुख ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई स्टेटमेंट नहीं किया, ना सुप्रिया सुले बोली, ना कोई मंत्री बोली है लेडीज जी। इनके जो सरकार में कोई भी जो मंत्री है, जो महिला मंत्री है या जो भी महिलाएं पद पर है, किसी ने इस पर बात नहीं की, ना सुप्रिया सुले जी ने बात की जी। ये मुकेश अंबानी है, इसके लिए बात हो रही है जी। ये धनंजय मुंडे की केस में आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तब उनको बचा गया। एक आम आदमी, ये राजनीति की बात है, मैं बोलना चाहता हूँ कि जब आम आदमी के लिए सरकारी व्यवस्था कोई नहीं है, आम आदमी कोविड में अगर मरता है तो मरने दो, आम आदमी के लिए सब प्रबंध है यहाँ पर, अगर आप पास नहीं लगा तो आपको फाइन लगता है। लेकिन संजय राठौड़ अगर लाखों की हजारों की तादाद में अगर उनके देवी का दर्शन, एक लेडीज एक महिला की हत्या हुई है, आत्महत्या हुआ, वो तफ्तीश की मामले, ये मामले की तफ्तीश होनी बाकी है, लेकिन एक महिला की अगर वहां पर आत्महत्या जो भी है जिनका नाम जुड़ा हुआ है, वो संजय राठौर 15 दिन से गायब है, वो किसी पुलिस को मिलते नहीं है, किसी को उसकी उनकी जानकारी नहीं, लेकिन वही संजय राठौर लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में वहां पर जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती।
तो ये इनकी महाविकास आघाड़ी की सरकार की काम करने का तरीका है। मुंबई पुलिस, तो ये मुकेश अंबानी हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखते। मुंबई की सुरक्षा, मुंबई की सुरक्षा, मुंबई कितनी सुरक्षित है? नहीं, मुंबई सुरक्षित, मैं बोलूंगा मुंबई पुलिस को हम हमेशा इस बात के लिए हम हमेशा इनकी शाबाशी देंगे कि मुंबई की पुलिस ने हमेशा बहुत सटीक तरीके से अपना काम किया है। इसके लिए किसी पॉलिटिक्स से पार्टी या किसी इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का कोई श्रेय नहीं है, ये मुंबई पुलिस किसी का श्रेय नहीं है, किसी का श्रेय नहीं, ये मुंबई पुलिस की है कि 24 घंटे के अंदर चोरी की कार बरामद हुई, चोरी करने वाले व्यक्ति को का नाम मिला, चोरी की कार है यह पता चला बिक्रोली पुलिस से, और मास्क पहने हुए जो आदमी ड्राइविंग करके कार लेके आया था उसके चेहरे की डिटेक्शन भी लगभग हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि जल्दी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़। चतुर्वेदी जी, आप पुलिस के ऊपर का दबाव हटा दो, पुलिस इतनी चौकन्नी है कि जितने भी शातिर गुनेगार है उनको 24 घंटे के अंदर उठा के इसमें डाल सकते, जेल में डाल सकते, लेकिन इनके ऊपर जब पूरी राजनीतिक दबाव आता है तब इनके काम करने में प्रॉब्लम आती है। जी अरविंद सिंह जी हम आपके पास थोड़ा आते हैं, मामला मुंबई की सुरक्षा का है, मुंबई पुलिस yes. ने चौकसी बहुत तेजी से शुरू कर दी है, लेकिन एक उद्योगपति के पास एक पास इलाके में इस तरह किसी कार का घुस जाना विस्फोटक सामग्रियों के साथ, कार में पत्र मिलना, कई नंबर प्लेट मिलना, इसका मतलब कि कई दिनों से कई महीनों से उसकी रेकिंग चल रही थी, तब तक सुरक्षा व्यवस्था ने इसको कोई भी इसकी भनक नहीं पाई। चतुर्वेदी जी, ऐसा है मुकेश अंबानी देश को क्या दुनिया के सबसे बड़े जी जी इस मामले को मैं अलग नजरिए से देखता हूँ। इसमें हो सकता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने उनसे पैसे मांगे हो और एक धमकी के तौर पे हो पैसे नहीं पहुंचे हो। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा है पहले भी, कई पार्टियों को ये पति चंदा देते हैं, कई सारी पार्टियों को, करीब करीब सभी पार्टियों को चंदा जाता है, किसी को हो सकता है मना किया हो इन्होंने, धमकी का एक जरिया भी हो सकता है कि ये धमकी दी गई कि देखो इतने में छोड़ दिया, अब जल्दी से पहुंचा दो नहीं तो सचमुच पर काम कर देंगे। तो उस नजरिए से भी है पुलिस के, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल दबाव होगा, अगर ये जनता किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाना होगा तो शायद उस वो कभी सामने नहीं आएगा, उसमें कार्रवाई नहीं हो पाएगी, ये भी एक नजरिया है जी। क्योंकि अभी अभी मैं सुन रहा था भाई साहब को कह रहे हैं कि वो सरकारें इनको आगे बढ़ा रही हैं, भाई अनिल मुकेश अंबानी अडानी जितने भी उद्योगपति हैं हमारे देश के, ये लाखों परिवार चलाते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी चलाते हैं, कल ये अगर भिखारी हो जाएंगे तो हमारा देश रोड पे आ जाएगा। तो ये कहना कि कोई इनको फेवर कर रहा है कोई नहीं फेवर कर रहा है ये गलत है, इनको फेवर करना पड़ेगा, आपकी सरकार होगी तो भी करना पड़ेगा, किसी भी सरकार होगी उसको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उद्योगपति आगे नहीं बढ़ेगा तो इतने लोगों को रोजगार, इतना इकोनॉमी पैसा कहां से है, ये उद्योगपति ही ऐसा देते हैं और देश को चलाते हैं, ये हमें गलत फहमी है कि नेता चलाते हैं, उद्योगपति ही देश को चलाता है, इसी के पैसे से देश चलता है, और ये अनिल मुकेश अंबानी या अडानी आज पैदा नहीं हुई, ये पिछले 6-8 साल में मुकेश अंबानी इतनी बड़ी संपत्ति हासिल नहीं की है, ये कभी शासन हो ये हर शासन में ये प्रगति हुई है और वो यहां तक पहुंचे, मतलब साफ है कि हर किसी को चाहे वो कोई भी पार्टी हो इन उद्योगपतियों को सहारा देना ही पड़ता है, क्योंकि इन्हीं से देश चलता है, इनके पैसों से देश चलता है, इनकी इकोनॉमी से देश चलता है, देश की इकोनॉमी इनपे डिपेंडेंट है, बर्बाद हो जाएंगे तो देश का इकोनॉमी सिस्टम जाएगा, इकोनॉमिक सिस्टम खत्म जी। अरविंद सिंह जी, अतुल भातखलकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक मिनट, अतुल भातखलकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन के जरिए, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये मुंबई की सुरक्षा का सवाल है। भातखलकर साहब,
ना भातकलकर साहब जी, ये मुंबई की सुरक्षा का सवाल है, मुंबई कहां तक सुरक्षित है? जब एक इतने उद्योग इतने बड़े उद्योगपति के घर के पास जेलेटिन की छड़े लिए हुए कार पहुंच जाती है तो मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को कितना चाक चौबंद समझा जाए? जी लगातार बदलाव महाराष्ट्र में मुंबई में होते थे, हमारे जमाने में एक भी मामला हुआ नहीं। और अभी तो कई अर्थों में कांग्रेस का राज्य महाराष्ट्र में आया है, ये इसका भी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जी। लेकिन लेकिन सब ये बताइए कि मुकेश अंबानी के लिए खतरा पैदा हुआ तो गृह मंत्री का ट्वीट आ जाता है, और पूजा चौहान की हत्या आत्महत्या होती है उसके लिए कोई ट्वीट नहीं आता। हेलो जी, आवाज नहीं आ रही, इनको आता है अभी सर? हम और फिर से कोशिश कर रहे हैं सर आपके साथ जुड़ने के लिए, जैसे ही होता है हम आपसे बात करेंगे। जी हमारे साथ अभी प्रकाश मुथा जी हैं। प्रकाश मुथा जी महाराष्ट्र कांग्रेस से सचिव हैं। मुथा जी बताइए कितनी सुरक्षित मुंबई है, मुंबई कर अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करें? आपने मुझे इस चर्चा में इनवाइट किया जी। आज का विषय है क्या वाकई में सुरक्षित है मुंबई, इसके निशाने पे है मुकेश अंबानी जी। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इसमें इनवाइट किया। देखिए मुकेश अंबानी जी की और आम जनता की सुरक्षा प्रदान करना मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार का काम है, क्योंकि सरकार हमारी और हमारा काम है उनको सुरक्षा देना। अब बंबई की सुरक्षा की बात हो तो बंबई एक आर्थिक, थोड़ा आवाज इको हो रहा है, आवाज इको हो रहा है, टेक्निकल टीम थोड़ा संभाले इसको जी। मुंबई एक आर्थिक नगरी है, मुगल समाज से ले जाके अंग्रेजों के समय से मुंबई पे विदेशियों की नजर हमेशा रही है। अब मुंबई पे हमले की बात करें तो मेरी नजरों में मुंबई के ऊपर 9 हमले हो चुके हैं, उसमें हम 93 का हमला देखें, हम 6 दिसंबर का हमला देखें, हम 27 जनवरी 2003 का हमला देखें, हम 15 मार्च 2003 का हमला देखें, 28 मार्च 2003 का हमला देखें, अगस्त 2003 का हमला देखें, 11 जुलाई 2006 का हम हमला देखें, तो सेमी और लश्कर ए तोबा के कार्यकर्ताओं ने हमारी मुंबई पर हमला किया था। इसके अंदर अनेक लोगों की जान गई, लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि हमारी मुंबई की पुलिस हमने देखा, हमारी मुंबई पुलिस ने 26/11 के अंदर जो काम किया वो सराहनीय है, और जो हुए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमने देखा कि हमारे मुठभेड़ में 11 लोग पुलिस के क्रम अरविंद ठाकुर जी, अरविंद हितेन ठाकुर जी बताइए, हितेन ठाकुर जी मुंबई की पुलिस की कार्यप्रणाली, मुंबई की सुरक्षा क्या बोलेंगे आप? देखिए मुंबई पुलिस तो सर्वश्रेष्ठ है, मैं मानता हूँ, ये पूरा देश मानता है मुंबई पुलिस सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। ये चूक कहां से हुई है? को जब ये रिपोर्ट कहां से हुई है? जब गृह मंत्रालय को जब महाराष्ट्र गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट दे दी गई थी कि इनकी जान को खतरा है,
तो वहां पर महाराष्ट्र सरकार ने ये लापरवाही क्यों बरती, क्यों नहीं आदेश दिया उनकी सुरक्षा को बढ़ाने का? और वहां का जो जो अभी वर्तमान में बीट मार्शल है, बीट मार्शल को ये मालूम होता है कि हाई सिक्योरिटी जोन कहां कहां है। बीट मार्शल हमेशा वहां पर एक राउंड लेता है। बीट मार्शल को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। उसकी लापरवाही इतनी बड़ी हुई है कि वहां पर गाड़ी खड़ी है, एक नागरिक फोन करके मुंबई पुलिस को बोलता है कि अनजान गाड़ी इनके बंगले के बाहर खड़ी है। तब मुंबई पुलिस को यह मालूम पड़ता है, तब बीट मार्शल वहां पर जाके चेक करके कॉल देता है। बीट मार्शल को कि राउंड मारने पे गाड़ी को उसने क्यों नहीं चेक किया, गाड़ी वहां खड़ी है। गाड़ी अगर हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर खड़ी है तो जवाबदारी इसकी कौन लेगा? आज महाराष्ट्र मंत्रालय अपनी लापरवाही को मानने के बजाय गोल गोल घुमाने का काम ये अनिल देशमुख जी कर रहे हैं। जब ये बात पहले ही आईबी ने इनको बता दी थी कि मुकेश अंबानी जी के ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है जी, तो क्यों इन्होंने लापरवाही बरती, क्यों नहीं उन पर सतर्कता दिखाई? आज फोन करके बोल रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप अगर ये पहले ही कर दिए होते, हाई सिक्योरिटी जोन में अगर आपका बीट मार्शल लापरवाही करता है तो जवाबदारी कौन लेगा इसकी? कल कोई अप्रिय घटना घटी होती तब ये क्या करते जी? कल तो मंत्रालय के बाहर हो, कल कहीं पर भी पूरे महाराष्ट्र में गाड़ी कोई खड़ा कर देगा क्या? देखिए, मैं मुंबई पुलिस से कोई इसमें पूरी की पूरी जो ये गलती हुई है महाविनाश अगाड़ी सरकार ने की है। इनके गृह मंत्री को तुरंत राजीनामा देके हट जाना चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी से लापरवाही करने का अगर इनको सूचना दे दी गई है तो इन्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए जी। वसा जी, वसा जी बताइए, वसा जी का एक मिनट, भरत सिंह जी आपके पास आते हैं, बस वसा जी को डिबेट का हिस्सा पहले बना ले। वसा जी दे देना चाहिए। भरत सिंह वसा जी, किसको इस्तीफा देना चाहिए बताइए। देखिए, सरकार जिसकी इस्तीफा उसी को देना पड़ेगा ना, मैं या आप तो इस्तीफा नहीं दे पाएंगे इसमें, बराबर है? जिनकी सरकार इस्तीफा भी वही देंगे यहाँ पे। दूसरी चीज, जब कभी भी कोई चीज पेंडेमिक का माहौल, अभी जब ऑलरेडी इतना पेंडेमिक और पैनिक माहौल चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में और मुंबई में, उसी समय ये मुद्दा क्यों आता है? हमारे पर ऐसे कोई बहुत हाई इश्यूज चलते हैं जब ऑलरेडी हमारा पेंडेमिक इश्यू ऑलरेडी चल रहा है, तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए सब किया जा रहा है, क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं इसमें कोई षड्यंत्र, कहीं ना कहीं इस तरीके का कोई, ये कोई साजिश है बिल्कुल। बिना प्लानिंग के, चतुर्वेदी जी, बिना प्लानिंग की ये इतना बड़ी चीज नहीं हो सकती कि आप मतलब इतने बड़े शहर, किसी आतंकी या किसी खतरनाक गिरोह का हाथ नहीं है, मुकेश अंबानी के ऊपर हमला नहीं है, कोई साजिश है, राजनीतिक शादी है। मुकेश सामने गाड़ी, मुकेश अंबानी के घर के सामने ही गाड़ी, आपके और मेरे घर के सामने क्यों नहीं? पहले सबसे पहले तो इसका जी, मुकेश अंबानी के घर के सामने ही गाड़ी क्यों जी? ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो, और जो हमारा कोरोना पीक पे चल रहा है वो सारा माइंड हमारा डाइवर्ट होके लग गए हम सबके सब यहाँ पर। अब यहाँ पर जेनेटिक केस में पीछे लग गए कि क्यों इस तरीके की गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के सामने ही खड़ी थी, क्यों एक आम आदमी के घर के सामने जी? नहीं, चलिए भरत सिंह बताइए। भरत सिंह,